नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ शिवम। इस वक्त हम मौजूद हैं जेडीयू प्रदेश कार्यालय के बाहर, और आप सबसे पहले एक पोस्टर देखिए कि जो कि जेडीयू प्रदेश कार्यालय के बाहर यह पोस्टर लगाया गया है, जहां पर यह लिखा गया है 16 अगस्त 2021 को पटना हवाई अड्डा 11:30 बजे रामचंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री के पटना आगमन पर स्वागत स्वागत स्वागत। आपने यह पोस्टर देखा है। आपको बता दें कि केंद्र में मंत्री बनने के बाद आरसीपी सिंह पहली बार 16 अगस्त को पटना पहुंचेंगे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब ललन सिंह हैं, और जब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह बीते दिन पटना पहुंचे थे, तो आपको हमने खबरों के माध्यम से दिखाया था कि पटना के हर एक जगह पर पोस्टर लगा दिया गया था उनके स्वागत के लिए। ऐसे में जब आरसीपी सिंह पटना पहुंच रहे हैं, तो सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि यह जो पोस्टर जेडीयू प्रदेश कार्यालय के बाहर लगाया गया है, यहां पर आपको पोस्टर में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी तस्वीर दिखेगी और साथ ही साथ आरसीपी सिंह की भी तस्वीर दिखेगी। आपको बता दें कि यह पोस्टर जो है जेडीयू के पूर्व विधायक अभय कुशवाहा के द्वारा यहाँ पर लगाया गया है। पर पोस्टर में सबसे खास बात यह है कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की जो तस्वीर है वो इस पोस्टर से गायब है। साथ ही साथ जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की भी जो तस्वीर है इस पोस्टर से गायब कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं कहे तो जेडीयू में जो अब है वो दो फार दिखनी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि इसको लेकर जब हमने जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा से बात की, तो उनका क्या कुछ कहना है पहले आप वो सुने। हम लोग के पार्टी में सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ललन बाबू जी, और अभी माननीय राष्ट्रीय पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन होना है। आपने जो संज्ञान में दिया है कि पोस्टर जो लोग लगाए हैं प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रखा गया है, निश्चित रूप से जो पदाधिकारी हमारे दल के पदाधिकारी पोस्टर में प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रखेंगे, हम उस पर एक्शन लेंगे, निश्चित रूप से विश्वास रखें। ये अभय कुशवाहा जी विधायक भी रह चुके हैं, आपकी पार्टी से लगातार जुड़े हैं, सक्रिय कार्यकर्ता भी हैं, उनसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? नहीं ना, उसको तो हम ये चीज़ की हम जानकारी लेंगे, इसका जो हमारे संज्ञान में आया है इस चीज़ को जानकारी लेंगे और निश्चित रूप से उनसे पूछेंगे, बात करेंगे कि हमारे यहाँ कोई गुटबंदी नहीं है, कोई सब लोग एक साथ एक सूत्र में बंधे हुए हैं, लेकिन जो पोस्टर का कोई मामला है तो उसका जानकारी हम लेके निश्चित रूप से उस पर एक्शन लेंगे, प्रोटोकॉल का पूरा ख्याल रखेंगे। एकदम इसमें कहीं किसी ने भूल किया है, चूक किया है, तो उस पर एक्शन लिया जाएगा, सुधार आएगा। लेकिन ये जो आरोप आप लोग लगाते थे आरजेडी पे, वो तो चीज आपके यहाँ दिख रही है कि अभी मेरे संज्ञान में नहीं, अभी संज्ञान में आया है, तो संज्ञान में मैंने तो स्पष्ट कहा है कि संज्ञान में आया है, इस तरह की बात है, प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रखा गया है, तो निश्चित रूप से हम उस पर एक्शन लेंगे। तो आपने साफ तौर पर सुना जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का कहना है कि जिन पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के द्वारा यह पोस्टर लगाया गया है और कहीं ना कहीं उन्होंने प्रोटोकॉल के नियम का पालन नहीं किया है, तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की जो पोस्टर से तस्वीर गायब है, तो ऐसे में विपक्ष इसको लेकर क्या कुछ सवाल करता है। बहरहाल बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।